नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। आज से 2 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और उन्होंने ट्वीट पे लिखा था, पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया था कि आई वांट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। अब आते हैं असली मुद्दे पर। रात का वक्त और एकाएक असम पुलिस द्वारा गुजरात के विधायक श्री जिग्नेश मेवानी के यहाँ पुलिस की दस्तक गिरफ्तारी का। सत्ता को आगाह करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात में चुनाव है और भाजपा की स्थिति नाजुक है। असम में भी भाजपा की सरकार है। दोनों राज्यों में भारत के जो नक्शे पर देखें तो एक दूसरे छोर पर स्थित है दोनों प्रदेश। दोनों जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है। अब इसे सत्ता का गरूर कहें या फिर अपनी राजनीतिक मुखालफत की आवाज को जुमा पर सिलने की कोशिश। तानाशाह डर गया है, शहनशाह घबरा गया है। हमारे साथी विधायक गुजरात के जिग्नेश मेवानी जी की रातों रात कोकराझार असम पुलिस से पालनपुर गुजरात तक पुलिस ले जाकर गिरफ्तारी करना इस घबराहट का, इस छटपटाहट का संदेश भी है और चिन्ह भी है। क्या इस देश में अब कम्युनल एमिटी यानी सांप्रदायिक सौहार्द, उसकी अपील करना और प्रधानमंत्री से धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़वाने की अपील करना अब अपराध है? क्या गुजरात के अंदर हिम्मत नगर हो या वेरावल हो, इनके अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना कि वो गुजरात आएंगे और बापू की, महात्मा गांधी की धरती पर शांति की अपील करेंगे, क्या ये अपराध हो गया है? क्या इस देश में संविधान को अब रोन दिया गया है और कानून की हत्या कर दी गई है? जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी ये दर्शाती है। पर जान ले तानाशाह और जान ले सत्ता के अहंकार में अंधा हुआ शहनशाह, ये आवाज जिग्नेश मेवानी की हो या कांग्रेस के और देश के हर उस व्यक्ति की जो सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे में आज भी विश्वास करता है, जो ये सोचता है, जानता है, समझता है, मानता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक देश में इकट्ठे भाईचारे से रह सकते हैं, जो इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो बच नहीं सकता। हमारी लड़ाई, हमारी जंग सांप्रदायिक सौहार्द की, भाईचारे की, धर्म से धर्म के टकराव की नहीं, धर्म से धर्म के प्रेम की सदैव जारी रहेगी। न मोदी जी इसे हरा सकते, न देश की और कोई ताकत। अब इस मौके पर मैं आप सबको तारीख के उस ऐतिहासिक लम्हे से रूबरू कराना चाहता हूँ जिसकी बदौलत आज हम यानी पूरा देश इस मुकाम पर पहुंचा है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि की बेला थी वो। स्वतंत्रता की सुइयां मजबूत कदमों से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ आधुनिक भारत के शिल्पकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सबसे बड़े पैरोकार पंडित जवाहरलाल नेहरू नियति से साक्षात्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा था ट्रस्ट विद डेस्टिनी में, और उस पर गौर फरमाइए, उस साक्षात्कार के सार तत्व पर। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब उस वादे को पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जैसे ही घड़ी की सुइयां मध्य रात्रि की घोषणा करेंगी, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आजादी की करवट के साथ उठेगा। नियति के साथ हिंदुस्तान ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। देश आजाद हुआ, गुलामी की बेड़ियां टूट टूट कर बिखर गई, देश के नौनिहाल खुली फिजा में परवाज भरने लगे, लेकिन देश के शहीद सपूतों ने आजादी के जो सतरंगी सपने देखे थे, स्वतंत्र भारत की जिस सूरत और सीरत का खाका खींचा था, उसका क्या हुआ? क्या आजादी के मायने यही हैं जिससे हम रोज आजकल रूबरू हो रहे हैं? बोलने पर पाबंदी, लिखने पर पाबंदी, प्रदर्शन पर पाबंदी, पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी, टीवी अखबार पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर पाबंदी, सामाजिक संस्थाओं पर पाबंदी, आपसी भाईचारा निभाने पर पाबंदी, हर उस चीज पर पाबंदी जिससे इस सरकार के जोर जुल्म पर किसी तरह का खलल पड़ता हो।
हाथ में हथकड़ी लेकर सरकार स्वतंत्रता की बात कर रही है, पर काट कर पक्षी को पिंजरे से आजाद कर रही है। वो जो कातिल था वही मेहदी मसीहा बन गया। ऐसी दोहरी शख्सियत का आदमी देखा नहीं। इस आजादी का अंदाज देखिए, जो बेकसूर है वो सलाखों के पीछे है, जो कसूरवार है वो सड़कों से लेकर संसद तक सिद्धांत की बात कर रहा है, जो जुल्म में सबसे ज्यादा जो शरीक है, इंसाफ की आवाज सबसे ज्यादा उसी की बुलंद है। जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए, वो सबको नैतिकता की नसीहत दे रहा है। और इन सबका मुखिया मुखिया कौन? उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज़े जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। सितम की इंतहा अभी आना बाकी है दोस्तों, लेकिन उसका ट्रेलर हम पिछले 8 सालों से देख ही रहे हैं। पिछले 8 सालों में आज़ादी की नई परिभाषा गढ़ दी गई है, इस सरकार ने वो परिभाषा गढ़ी है। आज़ादी के मायने और मतलब अब वो नहीं रह गए जो साल 2014 से पहले थे। आजाद आप भी हैं, आपकी तरह तमाम आजाद आप भी हैं, आपकी तरह तमाम आवाम भी है, लेकिन हम सबको कैसी आजादी? बस ऐसे वाक्यों को चुपचाप देखने की आजादी। कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद है, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। अपने देश समाज की यही हकीकत है दोस्तों, लेकिन क्या इसके लिए कसूरवार केवल सरकार और उसके जो नुमाइंदे हैं वही हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले आपको एक सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध क्या है, ये सवाल है। और सवाल क्या है, सबसे बड़ा जुर्म क्या है? कत्ल, डाका, लूट, ठगी? नहीं, ये सब तो बाई प्रोडक्ट हैं, मूल अपराध से निकली शाखाएं। मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा अपराध अन्याय के खिलाफ खामोश रहना, गलत को गलत कहने की ताकत नहीं जुटा पाना, यह है दुनिया का सबसे बड़ा अपराध। इसी अपराध की वजह से बाकी सारे अपराध शुरू होते हैं। और इस अपराध का सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? इसकी कोई कानूनी सजा नहीं होती है। कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत आपको इस बात के लिए सजा नहीं सुना सकती है कि आप उस वक्त क्यों खामोश रहे जब एक सरकार जो कि जनता के खिलाफ काम कर रही हो, एक शातिर सियासतजीवी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। इस बात के लिए कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट आपको सजा नहीं सुना सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी सजा नहीं मिलती है, मिलती है, खूब मिलती है, और ऐसी मिलती है कि आने वाली पीढ़ी तक उस सजा को सिसक सिसक कर भुगतने के लिए विवश होती है। वो कहा है ना, लम्हों की खता को सदियां भुगतती हैं। आपसे बस एक आग्रह है, स्वतंत्रता के सच के लिए संघर्ष कीजिए, असली आजादी के लिए उद्घोष कीजिए। ये मत सोचिए कि कौन आपके साथ है, कौन अपनी हदों में कैद है। बस आप असली आजादी के लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को मजबूत कीजिए। मेजे पर रख कर सिर मेरा और बुलंद कर दुनिया को एक जलता चिराग तो दिखाई दे। नमस्कार।